तैनात किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नए निर्माण में लगे हुए हैं और भारत का नव निर्माण शुरू हो गया है। आपने अभी देखा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसके बाद जो है ये कल्कि धाम का भी उन्होंने शुरुआत किया। जी, राहुल गांधी जब बनारस आया तो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए, लेकिन उन्होंने त्रिकुंड नहीं लगाया, क्या कहेंगे? यात्रा तो कर रहे हैं, ये तो राहुल जी बता पाएंगे ना, हम कैसे बता। धार्मिक वो अपने आप को धार्मिक बता रहे हैं, हम दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो व्यवहार है उसको लेकर के क्या कहेंगे? तो राहुल जी बता पाएंगे कि वो किस तरह की पूजा पाठ में आस्था रखते हैं। लेकिन रहुआ जी, जिस तरीके से जो लोग राम के अस्तित्व से सवाल उठाते थे, आज चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। चलिए, कम से कम प्रभु श्री राम ने उनको इतना तो सद्बुद्धि दिया कि उनको ये समझ में तो आया कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो राममय ही है, राम से बाहर कुछ है नहीं दुनिया में। अगर ये बात जब भी समझ में आ जाए तभी ठीक है। एक समय भारतीय जनता पार्टी के भी साथ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, आज जो है सपा से अलग होकर नई पार्टी अब बना चुके हैं। लगातार हिंदू धर्म हो या भारतीय संस्कृति, उस पर वो टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है निरुआ जी, उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा? अब उनका भविष्य तो राम जी तय करेंगे। राम जी के खिलाफ बोलते तो राम जी ही उनका भविष्य बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। वो भी समाज से आते हैं, आरक्षण के लिए क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरे देश में उन्होंने कहा कि गरीब जो है वो गरीब है, गरीब जाति अपने आप में एक गरीब है, महिला जाति है, युवा जाति है, किसान जाति है, और जब किसान के लिए काम करते हैं तो उसमें अगड़ा पिछड़ा दलित शोषित पीड़ित सभी आते हैं, अगर महिलाओं के लिए काम करते हैं तो उसमें सभी वर्ग जाति के लोग आते हैं। तो ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए। हम लोग बांटने का काम नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए काम करती है। गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी, कांग्रेस के कहना है कि गांधी परिवार गांधी परिवार का ही बिगड़ेगा, तो क्या लगता है अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी अमेठी हार गए थे, सोनिया गांधी भी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी? देखिए, अभी आने वाला जो समय है, पूरा देश राममय हो चुका है और पूरा देश अब ये समझ चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये लोग कितना भी विरोध कर लें पर वो रुकने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर पे चुनाव लड़ेगी क्या? मुझे लगता है कि राम मंदिर बनना था, बन गया। अब आगे जो है, प्रधानमंत्री जी ने सीधा संकेत दे दिया पूरे देश को कि राम से राष्ट्र की ओर, राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेंगे। कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी अंदर जब दर्शन किए गर्भगृह में, उस दौरान की फोटो नहीं दी गई प्रशासन के द्वारा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आते हैं वो दर्शन उनका फोटो वायरल होता था सोशल मीडिया के लिए। तो ये तो जो लोग फोटो खींचते वो जाने ना, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप सांसद हैं आजमगढ़ के, और राजनीति में भी आपकी बड़ी भूमिका देखी जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार से एक बार फिर से वहां पर कोई दाल उठता तो आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव खुद आए आजमगढ़ लड़ने के लिए, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव लड़े थे वहां, तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो खुद ही आए आजमगढ़ लड़ने के लिए। सीधी चुनौती दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम सीधा। आपको लगातार जी जी अपनी बात पूछिए। इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो धीरे धीरे एक एक करके दूर होते जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन को लेकर के लगातार जो है जो विपक्ष है वो हुंकार भर रहा है कि इस बार बदलाव होगा, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इंडिया अलायंस के पास न नीति है और न नियत है, और इसलिए वो लोग हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं पर फूट हो जाती है उनके अंदर। अगर उनके पास कोई चेहरा होता कि हम इस चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री होंगे, तो वो लड़ पाते, पर ऐसा होता नहीं है। वो पहले निजी स्वार्थ में गठबंधन बनाते हैं, पर जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो एक एक करके फिर बिखर जाते हैं। अखिलेश हुए फरार, निरहुआ सेटल है। मार्कंडेय महादेव महोत्सव में आपने एक बड़ी ललकार के साथ ये गीत गाया था, क्या कुछ संदेश रहा, क्या कुछ इसका उद्देश्य रहा? मुझे लगता है कि आजमगढ़ में पहले उनको मौका मिला था, और चार साल वहां रहने के बाद जब वो छोड़ के चले गए तो एक साल हम लोगों को अवसर मिला, और एक साल में हम लोगों ने आजमगढ़ में उतना काम किया जितना वहां 50 साल में नहीं हुआ। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन गया है,
आजमगढ़ में अटल आवासीय महाविद्यालय बन गया है, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, आजमगढ़ बनारस और गोरखपुर के लिए सीधी रेल लाइन बिछ रही है, जो 70 साल से मांग थी वो इन एक साल में पूरा हो गया है। तो मुझे लगता है कि एक साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो वहाँ काम हुआ है, उसके बाद चाहे अखिलेश जी आए, चाहे उनके परिवार से आए, चाहे कोई आए, आजमगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि हमको अब सरकार के साथ रहना है। और पूरा देश जानता है कि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो आजमगढ़ भी उनके साथ ही चलेगा।